नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआई न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खबरों की तरफ। टिकट की पहली सूची आते ही भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मच गया। बमोरी में ब्रजमोहन सिंह किरार का नाम आते ही पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल बौखला गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाए और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से टिकट बांटे जा रहे हैं। कन्हैया लाल यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह डाला कि इस बार सिंधिया ने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के टिकट का वितरण करवाया है। वहीं ब्रजमोहन किरार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट पार्टी ने दिया है जो कभी पार्टी का हुआ ही नहीं। साथ ही टिकट की घोषणा होने के बाद से ही ब्रजमोहन आजाद किरारा के लिए ही घूम रहे हैं, वो कैसे जीत पाएंगे। वहीं पिछली कई घटनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किरार कभी भी पार्टी की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हुए, केवल उनका बेटा ही पार्टी में शामिल रहता है। पार्टी को वहीं उन्होंने दो टूक शब्दों में यह भी कह डाला कि अगर पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल रखने के लिए चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कन्हैयालाल अग्रवाल ने यह भी कहा कि सिंधिया खुद को बमोरी से चुनाव लड़वाना है, इसलिए मेरा टिकट कटवा दिया। अब देखने लायक होगा कि इस बार भी आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई नया पत्ता खोल देगी। यह तो अब समय ही बताएगा कि आखिर पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय। वाली पार्टी तब पैदा होगी जी, अभी तो मुझे फैसला करना है जी। आज कल कार्यकर्ता आए जी, ये सब कार्यकर्ता मेरे बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम सब बैठेंगे जी। और कार्यकर्ताओं की जो राय बनेगी जी, क्योंकि आज केएल अग्रवाल कुछ नहीं है जी, केएल अग्रवाल जो कुछ भी है अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और चूँकि 5 साल चुनाव हारने के बाद लगातार मैं इनके संपर्क में रहा, तो मेरे ख्याल से 1 साल में 365 दिन होते हैं, मेरा और ऋषि का और मेरे कार्यकर्ताओं का संपर्क मान लें तो बमोरी में मैंने कम से कम 500 दिन 1 साल में निकाले, 1 साल में। और फिर ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो पार्टी का नहीं है, आपको पार्टी को अगर मुझे टिकट नहीं देना था, उनका बेटा है और भी लोग पार्टी की टिकट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाई व्यक्ति पार्टी का तो हो, केवल चुनाव के टाइम पे एक बार नहीं दो बार नहीं, 1998 से आज तक देख रहा हूँ, चुनाव आया भरम सक्रिय हो जाते। आज मुझे बताइए आप, किसी पार्टी का टिकट घोषित हो जाने के बाद व्यक्ति अकेला घूम रहा है, तो कल मेरे यहाँ पे 1000 आदमी इकट्ठा हो गया दिन भर में, तो जन समर्थन किधर है? दो व्यक्ति को थोड़ी अधिकार दिया किसी को कि आप जनता की आवाज को एक तरफ कर दो, जनता की आवाज को ठुकरा दो, जनता का जो आक्रोश है उसको अलग कर दो। पार्टी ने यह बोला था कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा हम उसको टिकट देंगे। आज जितने सर्वे हुए आप सामने रखवा लो, उनके लिए कार्यकर्ताओं की आम राय ली गई, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की राय ली गई, प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद लोगों को बुलवाया, आप एक एक राय बताएं, एक एक लोगों से पूछा गया, एक एक लोगों की राय ली गई। अगर उसमें मैं कहीं भी 19 हूँ, और आज जो पैनल गई थी दिल्ली उसमें भी जहाँ तक मुझे ध्यान है एक ही नाम गया था। फिर ये क्यों होता है चालबाजी? मैं ऐसा विश्वास मानता हूँ कि आज हम लोगों का कहीं ना कहीं इस पूरी जनता का ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं सिंधिया जी अपनी चलाने में सफल हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है? आपका ये चुनाव नहीं जीत सकता। आपका ये मानना है कि आपका टिकट सिंधिया ही ने कटवाया? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ सर, अगर निश्चित कहीं ना कहीं इनकी भूमिका रही होगी। अभी तो मुझे यह भी शंका है कि हो सकता है चुनाव लड़ने को से सिंधिया जी आ जाए या उनके परिवार का कोई सदस्य आ जाए। अग्रवाल भारी पड़ता उनके ऊपर, पहले ही पत्ता साफ कर दो, और फिर आप लोग हमसे पूछना कि भाई क्या कारण है कि आप लोग सिंधिया जी को नहीं हरा पाते। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का वर्चस्व है, आप ये कहना चाहते हैं भयभीत है कांग्रेस से भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी? भयभीत तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस भयभीत तो सिंधिया जी है, फिर आप कभी तो ये खेल किया हमने, यानी उनके। तो आज मुझे आप बताइए क्या कारण है कि पार्टी ने मेरा टिकट काटा?
अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नहीं, अभी मैंने क्या बोला, लड़ने वाली बात नहीं करी मैंने, चुनाव बनाओ। मैंने ये बोला है मेरा कार्यकर्ता मेरे ऊपर है, जो कार्यकर्ता तय करेगा वो केएल अग्रवाल को करना मजबूरी होगी। सर कार्यकर्ता चाहेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे, कार्यकर्ता जो तय करेगा। मैंने बोला ना, आप एक बात पे कौन जाए, हो सकता है कार्यकर्ता चाहे मत लड़ो, मैं लड़ूंगा। मैं तो मेरे कार्यकर्ता करना है ना, मैंने एक लाइन बोल दी आपसे, जो मेरा कार्यकर्ता तय करेगा उसे केएल अग्रवाल अक्षरता पालन करें। आप बता दो मुझे, जितने सर्वे हुए हैं आप धर दो सबके सामने, और आपने पूरे सब अखबारों में पूरे मीडिया में व्हाट्सएप में हो सकता है कोई कुछ भी चला है, हर जगह एक ही चर्चा थी जी। और फिर मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने बमोरी में काम किया पिछले 5 सालों के अंदर, उनको पार्टी ने क्यों ना कर दिया जी। पवैया जी का चुनाव आया था, मैंने गाड़ी भेजी थी चुनाव प्रचार के लिए, गाड़ी वापस भेज दी ब्रज मोहन जी ने, क्या कारण रहा उसका, किनका साथ दिया था उनने बताए वो भाई। सवाल ये टिकट दो आप पार्टी के, हर कार्यकर्ता का अधिकार चुनाव लड़ने का, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता में कमी हो गई क्या? सर इसको सिंधिया जी का षड्यंत्र मानते हैं? जाओ जरा मैं बोल दिया पहले, पूरा षड्यंत्र वही करते हैं खेल। अच्छा, खेल तो वही से हो रहा है। अच्छा, उन्हें किया क्या सिवा षड्यंत्रों के अलावा? नहीं तो देश 90 साल पहले आजाद हो जाता था ना जी। उन्हें किया क्या षड्यंत्रों के अलावा? एक बात का जवाब दो तो मुझे आज, महाराजा ग्वालियर है सिंधिया जी है कि नहीं है? आपका महल कहाँ है ग्वालियर में? आपका रानी महल कहाँ है ग्वालियर में? आपका परिवार कहाँ है ग्वालियर में? महीने में 20 दिन आप कहाँ ठहरते हो ग्वालियर में? चुनाव लड़ने गुना क्यों आते हो भाई साहब? इस बात का हमको जवाब चाहिए। जहां एक और पूर्व राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, वहीं पार्टी के खिलाफ गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने भी मोर्चा खोल दिया। पन्नालाल शाक्य ने अपनी प्रेस वार्ता में ये बार बार कहते नजर आए कि आखिर उनकी गलती क्या है, मुझे पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया। वहीं उन्होंने पार्टी पर किसी तरह के दबाव होने की बात भी कही। अपनी बेबाक छवि और अपने बयानों के लिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाए रहने वाले विधायक ने आज बड़े ही नपेतुल्य शब्दों का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने बातों ही बातों में यह भी जाहिर कर दिया कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी पर आक्षेप लगाते हुए विधायक ने कहा है कि कई लोगों को तो 10-10 बार पार्टी ने मौके दिए हैं, पर मुझे पहले ही बार में बाहर क्यों कर दिया गया, समझ से परे है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि सर्वे के आधार पर उन्हें हटाया गया है तो उन्होंने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि सर्वे और रायशुमारी तो सिर्फ लोगों को बताने भर के लिए होती है, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए ये तो वही जाने। देखने लायक होगा कि क्या रहेगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जब इतने सारे लोग बगावत पर उतर आए हैं। मुझे पता ही नहीं है, मैं तो खुद ही जानना चाहता हूँ कि भाई अपन लोकसभा भी जीते की राजा से, विधानसभा भी जीते अपन 45,111 से, तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया है, मुझे नहीं मालूम ना, मुझे अभी तक बताया कि आप हम इसलिए नहीं दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ ना बार बार कि मुझे बता दो तो भाई मेरा अपराध क्या है, जनता बताएगी यार, मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ। जनमत का जो उपचार होगा बाहर क्या करेगी जनता अपने आप, अब जनता चाहती है आपको तो दोबारा अपने बीच में, तो आप कैसे उनके बीच में आएंगे? आप तो बीच में खड़ा हूँ ना, पहले दिन से, जिस दिन जीता था उसी दिन से चुनाव तक बीच में खड़ा हूँ। चुनाव लड़ेंगे क्या आप? ये मतदाता तय करेंगे, उन्होंने कह दिया था। कैसे चुनाव लड़ेंगे आप, पार्टी सिंबल क्या? अरे पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना होता वो तो ठीक है भाई, पर चुनाव तो जनता जिताती है, जनता तय करेगी मेरे विषय में। आप मैं सड़क का आदमी हूँ, एक अन्य विधायक का टिकट कटा है, कोई मैं विरासतदार भी नहीं हूँ और न कोई मैं पुराना राजनीतिक घराने से संबंध रखता हूँ। अपन सीधे जनता से जुड़े थे गुना में, और हर व्यक्ति के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे कि जिस जैसे अपना हो। तो पता नहीं क्या बात है, ये मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ तो सही, किस बात की सजा मिल रही है? देखो एक बात बता रहा, इस मामले में 2008 में भी हमारा केस ऐसे ही कटा था, उसका भी कोई कारण नहीं बताया था हमारे हमें को, और ये 2018 आ गए तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ भाई क्या कारण है? हमने किनके धंधे बंद कर दिए, किनकी दुकानें बंद करा दी, किनके व्यवसाय बंद करा दिए,
इनके प्लाटों पे कब्जा कर लिया, कौन सी सरकारी जमीन हमने नीलाम कर दी, यही समझ में नहीं आ रहा। जबर मारे और रोन न दी, मैं जब गया था मेरी सब बात हो गई थी बढ़िया सब, मैंने खुद कहा था कि श्रीमान हमारा निवेदन है कि गुना विधानसभा में अतिक्रमण मत करवा दे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वही समझ नहीं आई कि जब अतिक्रमण हमारी बात उनने सुन ली और स्वीकार कर ली कि हाँ नहीं नहीं होगा नहीं होगा, तो जो हो कैसा गया बीच में, तब हम फोन भी लगा रहे हैं संपर्क में है, देखो कब हमसे बोलता हूँ, तब ये तो इस बात की कोई सबूत थोड़ी होगा चला है, और उस पर मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आप मानते हैं राजनीतिक हत्या हुई है? अब ये तो आप बताओ क्या है। नहीं, जिस तरीके से आप सेटिंग एमएलए थे और फिर लंबी अंतर से जीतने के बाद आपको टिकट नहीं दिया गया, देखो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोगों को 10 बार राउंड मिल गए, 10 बार वो प्रतिनिधि बन चुके, और मैं एक बार के बाद ही लोगों को पसंद नहीं आया, क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, मेरे को बता दे भाई क्या लग रहा है, कौन लोग दोषी लग रहा है? कोई समझ में नहीं आ रहा कौन दोषी है यार, क्या करेंगे, अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम उन्होंने मतदाता उठाएंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, मैं 100% अपने आप को कॉन्फिडेंस में था, पूर्ण विश्वास में था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ जी मुझे खुद ही नहीं आ रही ना समझ में, ऐसा मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया भाई? जो क्या, मीडिया क्या? की खबरें हैं उसके अनुसार जो आपके बयान थे विराट कोहली संबंधी या उससे संबंधी कुछ अन्य बयान ऐसे थे जिनके कारण आप पर ऐसा कदम उठाया गया, तो क्या वो इतने बड़े बयान थे कि टिकट ही काट दिया जाए? एक बात बताऊं, उस बयान की अगर एक एक शब्द की व्याख्या की जाए तो वो राष्ट्रवादी बयान था मेरा, इस राष्ट्र में तुम धन पैदा कर रहे हो, इज्जत कमा रहे हो, यहीं रोटी खा रहे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं तुमको सम्मान प्राप्त हुआ, तो इस देश की पूंजी बाहर ले जाने के तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया, ये था उस बयान का। ये तो वही जाने क्या हुआ, और ये मैं मानता नहीं कि उस बयान के कारण काट रहे होंगे, मेरे से ज्यादा खराब बयान तो लोग दे चुके हैं। आपके मतदाता चाहे जनता तय करे तो आप पर्चा कब दाखिल करेंगे? बच्चा तो हम दाखिल करेंगे 5 को, मतदाता नहीं चाहने के बाद किसी ने नहीं कहा तो नहीं करेंगे, मेरे मतदाता तो चाह रहे हैं, आई गए आपके समर्थक जितने भी हैं, तो अभी चेक कर दो ना यहाँ पे क्या होने वाला, पार्टी से करेंगे या निर्दलीय करेंगे 5 को पर्चा? ये हम पूछ लेंगे अभी, जरा जानकारी लेके क्या भैया कौन कौन है, अभी तो ये 51 पंचायतों के लोग हैं, ये आ गए, नामांकन फॉर्म ले लिया क्या? आज नहीं ले पाए, हम सोमवार को लेंगे, ये मुझे जानकारी नहीं, मैं तो घर ही बैठा हूँ, कल शाम को तो लौटा हूँ मैं दिल्ली से, तो थक गया था बहुत। दिल्ली में आपके किससे चर्चा हुई? सबसे बात हुई थी, वहाँ से आप कॉन्फिडेंट आए थे? बिल्कुल कॉन्फिडेंट आए, उन्होंने कहा भगवान कर रहा है सब ठीक करेंगे, तो मैंने कहा भगवान कर रहा है तो ठीक ही करेंगे, तो अपन कब गलत आएंगे, तो अपने साथ बुरा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आज बमोरी विधानसभा के लिए सुमन शर्मा ने पर्चा दाखिल किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सुमन शर्मा पर विचार करते हुए उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार तय किया है, जिसके लिए पर्चा दाखिल कर आज दल बल के साथ सुमन शर्मा पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय। इस मौके पर पार्टी के कई समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। न
कसिया जी में विराजे भगवान आदिनाथ, जिसके लिए राजस्थान के कलाकारों द्वारा बनाई गई 15 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मंगवाई गई है। प्रतिमा शाम को ही पहुंच गई थी, जिसका आज सुबह जज्जी बस स्टैंड से जुलूस के साथ नसिया जी ले जाया गया। भगवान आदिनाथ जी की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई बजरंगड़ रोड स्थित नसिया जी धाम पहुंची। रास्ते में जगह जगह जैन धर्मावलंबियों ने भगवान आदिनाथ का स्वागत किया। इंडस्ट्रियल एरिया में मिली युवक की लाश, डायल 100 को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक का शव पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। युवक की पहचान रघुवीर सहरिया पुत्र हल्के सहरिया निवासी बरबटपुरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक ने ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसके कारण वह पुलिया के नीचे गिर पड़ा। अब तो ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला क्या है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक रघुवीर सहरिया पिता हलकैया सहरिया, ये निवासी बरबटपुरा के रहने वाले हैं और यहाँ अभी इंडस्ट्रियल एरिया में सूचना मिली थी 100 डायल पे, उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो इनकी बॉडी एक पुलिया के पास में पड़ी है और वहाँ पुलिया में दारू के क्वार्टर और पानी पाउच इस टाइप के पड़े हुए हैं और इनकी मोटरसाइकिल भी वहीं बगल में खड़ी हुई थी और ये पास में एक सलूजा जी की कोई फैक्ट्री है पन्नी बनाने की, उसमें काम करते रहे। तो अभी प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि या तो पीते हुए गिर गए हैं, उसकी वजह से कुछ घटनाक्रम हुआ है। बाकी जाँच जारी है इसकी, अभी घटनास्थल पर हम लोग आ गए हैं और जाँच की जा रही है। प्रेसिडेंसी स्कूल में चल रहा जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज हुआ समापन। प्रेसिडेंसी स्कूल में जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018-19 का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया। समापन के मौके पर पूर्व CMO रामवीर सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। गहराई में जाकर के लोगों से बात की और एक आउटकम निकल के आया और सबसे बड़ी बात उस बातचीत को कागज पर लेकर के आए। ये हो सकता है कि पूरी तरह कोई बच्चा ना लेके आता आया हो, लेकिन उसके दीपावली के नजदीक आते ही खाद्य विभाग हुआ सक्रिय। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। खाद्य विभाग के द्वारा शहर के मिष्ठान भंडारों पर जांच की गई और मिठाइयों की जांच की गई तथा सैंपल भी लिए गए। भैया की दे है 40 है 50 दे दो भाई साहब, बने गिरा बन बन गई है हमारे पास, बोला कोई गिरा नहीं। मिठाई होटल वाले सैंपलिंग ले रहे हैं, तो ये बीकानेर मिठाई होटल वालों की
एक सैंपल हुआ है और ये अभी रतलाम में चल रही है कार्रवाई, क्या सैंपल लिया नमकीन का और मिठाई का, और इसके बाद शिमला स्वीट्स है, पीछे ग्वाल स्वीट्स है, गोरखपुर है, अभी वहाँ पर अभी ये लगातार चलती रहेगी, ये लगातार चलती रहेगी। अभी कहीं से कुछ मिस्टेक मिली है क्या जी? मिस्टेक मिली है कहीं से? ये तो रिपोर्ट आने पर पता करेंगे हम क्या मिस्टेक मिली है अपने से। देखने के माध्यम से कैसा लगा है? जिसको संदेह होता है अगर सैंपलिंग मिलती है तो सैंपलिंग करते हैं उसी खाद्य पदार्थ की, जिसका तुम्हें संदेह होता है। जी जी आनंद न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।